से। दीपक आप बने रहिएगा, वहीं पर आएंगे आपके पास। फिलहाल एक और बड़ी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा आज और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी आज उपचुनाव है, मतदान होगा। वायनाड में प्रियंका गांधी की आज भारी परीक्षा देखी जाएगी। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। तो तमाम व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं और देखिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं दीपक का। दीपक आप चाय वाले के पास यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में खासी चर्चा चाय की दुकान पर सबसे अधिक देखी जाती है, जरा बात कीजिएगा और जानिएगा। जब यहाँ लोग आते हैं तो किस तरह की चर्चा करते हैं, क्योंकि राजनीति की चर्चा तो हर कोई करता है। एक बात बताइए, जो मौजूदा सरकार है उससे कितनी उम्मीद और बची हुई है? अरे बता दो, थोड़ा शर्मा रहे हो। चलिए ठीक है दीपक, चलिए ठीक है, हम रुक कर लेते हैं पटना का। है, कुछ और लोग हैं, बिल्कुल ठीक है दीपक, आएंगे आपके पास। हम रुक कर लेते हैं पटना का, जहां से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और उनसे भी हम जानना चाहेंगे। शक्ति, पटना में आप मौजूद हैं और आज ऐसे में जब चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं तो ये बस महज कुछ ही पल हैं जब मतदान करने से पहले चुनावी माहौल जाना जा सकता है। ऐसे में मतदान केंद्रों पर जब मतदाता पहुंचेंगे उनके दिमाग में उसी वक्त सबसे ज्यादा विचार आएंगे कि किस विषय पर, किन मुद्दों पर उन्हें अपने आज वोट का इस्तेमाल करना है। ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जो काफी चर्चा में रहे हैं और काफी बड़े मुद्दे हैं ये। विकास से हटकर ऐसे अनेकों मुद्दे झारखंड में देखे गए हैं, जहां पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखा गया। जी बिल्कुल, देखिए बिहार में जो है चुनाव है, काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव है, क्योंकि जो अगले साल ही बिहार में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं और अभी थोड़ी कुछ महीने पहले ही बिहार में लोकसभा के भी चुनाव हुए थे। तो ऐसे में सेमीफाइनल कर सकते हैं, बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल का चुनाव है और इसमें 4 सीटों को लेकर जो है ये वोटिंग हो रही है, चुनाव हो रहे हैं। और इसमें सबसे अहम जो है आपको बताएं बेलागंज है, जहाँ से जीतन मांझी के बहू जो है उसके चुनाव लड़ रही है। तमाम आपको बताएं कि इसके अलावा 4 सीटें तरारी है, बेलागंज है, रामगढ़ है, इन सीटों पर जो है काफी महत्व है। 3 में से 3 सीटें ऐसी हैं जो पहले महागठबंधन के हिस्से थी, तो महागठबंधन की दाव भी जो है इस विधानसभा उपचुनाव में कहीं ना कहीं साख पर लगी हुई है। और इसमें इस चुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव और केंद्रीय मंत्री बीजेपी की तरफ से भी और जेडीयू की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कमान संभाली थी और चुनाव प्रचार की में ताबड़तोड़ जो है चुनावी दौरे हो रहे थे नेताओं के। तो और खास करके काफी अहम है इस चुनाव, क्योंकि यहाँ से जितेंद्र मांझी की भी साख जुड़ी हुई, क्योंकि उनकी बहू जो है दीपा मांझी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से बाहुबली नेता सुनील पांडे, उनके बेटे जो है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं तरारी से। तो काफी अहम है, खास करके इन चुनाव को लेकर जो है अब आगे की रणनीति, अगर इस चुनाव में जो फैसला होगा उस पर तय होगा कि जो लोकसभा के बाद जो विधानसभा के चुनाव अगले साल हो रहे हैं उसमें क्या तैयारियां, क्या दावे, जिस तरह से दावे हैं। ठीक है शक्ति, आएंगे आपके पास और फिलहाल रुक कर लेते हैं रितेश का। रितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, आपने भी लोगों से बात की और वहां पर चुनावी माहौल जानने की आपने कोशिश की, तो ऐसे में जिस तरीके से मुद्दे प्रमुखता से झारखंड में देखे गए और ऐसे में जिन मुद्दों पर लगातार कटाक्ष भी बीजेपी ने भी किया और जो तमाम वादे जो हैं वो किए कांग्रेस ने, अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैनिफेस्टो को लेकर बात कर लेते हैं। मैनिफेस्टो जो कि अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है और पढ़ा नहीं होता है कि कौन सी पार्टी कौन से वादे कर रहे हैं, बस ऐसे वादे जो कि काफ़ी कैची वादे होते हैं, जिस तरीके से सिलेंडर फ्री दे दिया गया ये ज़्यादातर लोगों के जहन में बैठ जाता है और यही लोगों तक पहुंच पाता है। तो ऐसे में मैनिफेस्टो के तमाम वादे क्या लोगों को पता है, ज़रा ये जानने की कोशिश कीजिएगा। अब बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि मैनिफेस्टो ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए नहीं पढ़ते हैं और इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि सभी लोगों को ये पता है कि मैनिफेस्टो में जो जिन बातों का जिक्र किया जाता है शायद ही वो बातें हैं और वो वादे कभी पूरे हो पाते हैं। तो देखिए कि ये बूथ है और धीरे धीरे यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। हम कुछ लोगों से जो आपने सवाल पूछा है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कि रांची में ही हम मौजूद हैं और ये जो बूथ है ये काफ़ी VIP बूथ है, यहाँ पर तमाम जो बड़े चेहरे हैं रांची के वो पहुँचेंगे। तो देखिए कि अभी प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए कि वोटर्स पहुँच चुके हैं, क्या मुद्दा है इस बार, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात है कि सुबह 6:30 होने जा रहे हैं, आप आ गए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छी तस्वीर है। किस मुद्दे पर वोट कर रहा है झारखंड का? डेवलपमेंट,
जॉब। अरे खुल के बोलिए आप, ऐसे ऐसे पॉइंट पॉइंट नहीं बोलिए, खुल के बोलिए। पिछले 5 सालों से जो हम झेल रहे हैं वो हमारा मेन मुद्दा है। जैसे कि मैं अपने ट्रेड से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, हमारे ट्रेड में हम लास्ट 5 सालों से डाउनफॉल देख रहे हैं, काफ़ी चीज़ों की दिक्कत है, सरकार हमारी सुन नहीं रही है। तो ये सारे मुद्दे हमारे, जिन बातों का मैनिफेस्टो में जिक्र, चाहे बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, आसू हो, किया है, उन मैनिफेस्टो पर आपको भरोसा होता है? नहीं। मैनिफेस्टो में जिन बातों का जिक्र किया जाता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई फ्री गैस सिलेंडर दे रहा है, कोई महिलाओं को फ्री लोन दे रहा है, युवाओं को रोजगार की बात हो रही है, क्या कहेंगे, किस आधार पर वोट करेंगे और मैनिफेस्टो के बारे में क्या कहेंगे? झारखंड में कुछ विकास ही नहीं है भैया। अभी जैसे आप मैया योजना आया, वृद्धा का पेंशन बंद कर दिया गया, विकलांग का पैसा बंद कर दिया गया, वही पैसा जाके मैया योजना को खाली वोटर्स को घिसने के लिए किया गया। बहुत त्रस्त है इस बार, ना बेटी सुरक्षा है, ना महिला सुरक्षा है, अपराध इतने बढ़ गई है, बहुत से ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके हम लोग सबसे पहले। देखिए बड़ी अच्छी तस्वीर है पिंकी, देखिए कि बच्चियां हैं ये भी पहुंची हुई हैं वोट करने, अच्छी पहली बार वोट करने आई हो, अच्छा देखिए कि फर्स्ट टाइम ये लोग वोटर हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ी अच्छी बात है और अच्छी तस्वीर है कि आप सबसे पहले आई। क्या मुद्दे हैं, किस आधार पर वोट कर रही हैं और कितनी उत्सुकता है फर्स्ट टाइम वोटर होने के नाते? बहुत एक्साइटमेंट है फर्स्ट वोटर के नाते, और आशा तो बहुत है कि इस बार अच्छा हो, रांची में विकास हो, और क्या भी बोल सकते हैं। मैनिफेस्टो आप लोग पढ़ती हैं कि नहीं? किन्हीं भी जो भी पार्टीज होती हैं मैनिफेस्टो जारी करती हैं, मुफ्त गैस सिलेंडर, मुफ्त 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 सारी चीज़ें मुफ्त, कितना भरोसा होता है? अभी तक तो मुझे फ़ायदा नहीं मिला है, तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, लेकिन ठीक है, अपना निकालते हैं, अच्छा होता है सबके लिए, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता होगा। यूथ के लिए है कि नहीं? यूथ के लिए हो, नहीं है यूथ के लिए। आप बताइए, आप तो कई बार आप वोट देने पहुंची हैं, आज किस मुद्दे के आधार पर वोट करने आप यहां पर पहुंची हैं, और जो मैनिफेस्टो जारी करती हैं विभिन्न पार्टियां, कोई गैस सिलेंडर फ्री देने की बात कर रहा है, कोई महिलाओं को लोन देने की बात है। सर ये सब कहने की बात है, एक दो महीने देते हैं उसके बाद फिर खत्म कर देते हैं बस। इस बार महिलाओं का क्या मुद्दा है, आप महिला हैं, क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर आज आप वोट करने आई? बस हम चाहते हैं कि मतलब जो भी हो अच्छा हो। क्या अच्छा चाहिए? महिलाओं को सुविधा मिले, महिला तो कभी भी मतलब सही नहीं है, कहीं भी मतलब ये नहीं है, महिला सुरक्षा चाहिए। आप किस आधार पर वोट करने? हमें कि महिलाएं लोग की सुरक्षा होना चाहिए, सबसे पहले ये बताइए कि झारखंड में ऐसा हो रहा है कि महिलाएं लोग सुरक्षित कहीं नहीं है, चलना फिर जितना पहले ना तो किसी चीज़ का सुधार है, ना तो शिक्षा में है, ना किसी मुद्दा पर है, किसी भी जो बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ। सबसे पहला तो क्या है, महिलाएं लोग कहीं सुरक्षित, अभी भाजपा का झमम का सरकार में नहीं है, और न तो शिक्षा में है सुधार है। पहला एक चीज़ और है कि पहले हम लोग जैसे महिला लोग सुबह घूमने निकल जाती थी, वो नहीं कर पाती हैं, तो कहीं फ्री से घूम नहीं सकते, बच्चियाँ लोग बढ़िया से स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती, शिक्षा पर भी यहाँ कोई लगाव नहीं है, जैसा कि पहले हर इसका पहले सरकार में होती थी, जो भी बोलते थे सरकार की ये चीज़ हम करवा रहे हैं उसको तुरंत लागू कर देते थे। ये तो मैया योजना तो लागू किए हैं कि जो सोचना चाहिए कि 4-15 दिन में अंदर आजकल सरकार के कोई काम नहीं होती है। ये सबसे बड़ा चीज़ है कि क्यों ये प्रलोभन दिया गया, देना था जिसमें चुनाव शुरुआत जीते थे 5 साल पहले, उस समय देते तो लोगों को खुशी। बीजेपी भी तो मैनिफेस्टो में गोगो दीदी से लेकर फ्री गैस सिलेंडर तमाम चीज़ों थे, वो भी कर गोगो दीदी दिए नहीं है, बोले कि मेरा सरकार बनेगी तब हम गोगो दीदी देंगे, जो कि जैसे एमपी में और स्टेट में जहां भाजपा की सरकार बनी दिया गया, लेकिन ये तो लागू कर चुके हैं 15 दिन के अंदर में, कहीं कोई ऐसा होता है सरकारी पेपर एक एप्लीकेशन लिखे जो पहुंचने में महीना दिन टाइम लगता है, और इतना जल्दी मैया योजना क्यों लागू कर दिए? ये तो प्रलोभन दिया गया, समझे कि खुले आम। ये भी एक चीज बता देते हैं कि सास वाला जो पेंशन मिल रहा था बहू का चला गया, घर में झगड़ा करवा रहे हैं, बहू को मिल रहा है पैसा, ये नाराजगी नहीं ना है? नाराजगी है, सास को नहीं मिल रहा। अब भी आप सास हैं? नहीं हम सास नहीं, हमको तो हम के लिए ही नहीं है, लेकिन बहुत घरों में शिकायत आ गई है कि मेरा वाला नहीं मिल रहा है, मेरा जो पेंशन था मेरी बहू का पैसा आ गया, मैया योजना हम भूखे मर रहे हैं। ये चीज सरकार के बहुत गलत मुद्दा है कि सास वाला काट करके बहू का पैसा दे रहे हैं, ऐसा गलत होना चाहिए। देखिए पिंकी, यहाँ सास बहू की लड़ाई भी सरकार पर भारी पड़ रही है कि सास का जो पैसा है वो काट कर हेमंत सोरेन सरकार ने बहू को दे दिया, और सास लोगों की ये नाराजगी है। बिल्कुल, आंटी का गुस्सा साफ दिख रहा था रितेश यहाँ पर। आप आइए देखिए, अभी तत्काल में जो सरकार चल रही है हमारे हेमंत सोरेन जी का, वो युवाओं को 5 लाख रोजगार देने का वादा किए थे जो पूरे तरीके से
उनका निरस्त हो गया, उनका किसी भी प्रकार से वो जो वादा किए कि जो स्टूडेंट को अगर नहीं मिलेगा तो उनको हम छात्र अति युवा को हम युवा भत्ता देंगे जिससे कि वो अपना करेंगे गुजर बसर। प्लस क्या है कि अभी देखिए आए दिन झारखंड में महिलाओं के साथ यौन शोषण इतना बढ़ गया, अपराध बढ़ गया है, गली गली में चैन स्नेचिंग हो रहा है, अभी ब्राउन शुगर खुलेआम बिक रहा है जिस पर सरकार किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगा रहे हैं और इससे युवा बर्बाद हो रहा है, सभी युवा बेरोजगार हैं। महिलाओं को भी अभी नया जो ठीक बोली वो मैडम कि मैया सम्मान योजना निकाले, वो जब उनको इलेक्शन का टाइम आया तो इलेक्शन के टाइम पे आके वो तुरंत में मैया सम्मान योजना का प्रलोभन दिए पब्लिक को कि इस लोभ में आके फंसे और फिर से हमको बनाया, फिर 5 साल हम लूटे इस प्रकार जनता को, तो जनता को लूटने का काम कर रही है। देखिए कि जनता अब जो लोग सोचते हैं कि वोटर्स जो है उन्हें हम लुभा लेंगे तो ऐसा भी नहीं है, वोटर्स तमाम चीज़ों पर नज़र रख रहा है। आपने देखा कि महिलाएं थी और उन्होंने तमाम चीज़ों पर नज़र रखी है और ये बताने के लिए काफ़ी है कि झारखंड में इस बार लोगों का मूड क्या है और जिस लड़ाई को आप काफ़ी आसान समझ रहे हैं वोटर्स उन तमाम चीज़ों को समझ रहा है। आप रेवड़ियों की बात कर रहे हैं, आप आपने सुना कि किस तरीके से पिंकी लोगों ने कहा कि जिन बातों का जिक्र होता है शायद ही वो बातें पूरी हो पाती हैं। बिल्कुल रितेश, आएंगे आपके पास और फिलहाल एक बार रुक कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का भी, जहां से हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं।